अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित की मल्टी स्टारर फिल्म टोटल धमाल, जो कि इसी साल सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, धमाल की सीरीज सुपरहिट रही थी, लेकिन उसमें संजय दत्त थे और इस बार इसमें आपको अजय देवगन का तड़का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अनिल और माधुरी की जोड़ी बहुत सालों बाद पर्दे पर एक साथ दिखाई देगी। ऊपर से धमाल की वही कॉमेडी टीम एक बार फिर से आपको हंसाती हुई दिखाई देगी इस मूवी में और आमिर खान का कैमियो। दोस्तों आपको बता दें, टोटल धमाल साल 2018 के दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली है और उसका ट्रेलर को लेकर भी अब मेकर्स फुल प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में भी VFX का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 12 करोड़ के खर्चे की लागत में बने हैं। दोस्तों आपको बता दें, टोटल धमाल का ट्रेलर 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में रिलीज किया जा सकता है। फिल्म की रिलीज डेट भी बताई जा रही है कि 14 या 7 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सोनाक्षी के कैमियो वाली फिल्म टोटल धमाल और अजय देवगन की फिल्म कैसी साबित होगी? क्या संजय दत्त की कमी महसूस होगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।